नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के इन सरकारी विभागों में जल्द निकलेगी 50,000 भर्ती, नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम का ऐलान। बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बरसे शिवानंद, बोले कभी भी संविदा कर्मियों की छुट्टी कर देंगे नीतीश। पटना में कोरोना वैक्सीन का 27 डोज बर्बाद, रजिस्ट्रेशन कराकर स्वास्थ्यकर्मी नहीं ले रहे हैं टीका। कैमूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 38 बदमाशों को दबोचा। पटना में बिहार सरकार के अधिकारी बेच रहे हैं सब्जी, खरीदार की लग रही है लंबी लाइन। बिहार में 4 अफसरों का तबादला, 2 IAS को एडिशनल चार्ज, जितेंद्र श्रीवास्तव को गृह सचिव की जिम्मेदारी। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में ताला जड़ने का ऐलान, पटना हाईकोर्ट में वकीलों ने भेदभाव करने का लगाया आरोप। एयर एम्बुलेंस से रवाना हुए लालू यादव, दिल्ली एम्स में 1 महीने चलेगा इलाज। पटना के VIP जोन में मिल रही है शराब की बोतलें, JDU प्रदेश अध्यक्ष के आवास के सामने का हाल। बिहार में मिले कोरोना के 149 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुँचा 2,59,766। अब खबरें विस्तार से। बिहार में संविदा नौकरी को लेकर चल रहे घमासान के बीच नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा ऐलान किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में 50,000 नौकरी के लिए भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये भर्ती बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर 50,000 बहाली की जाएगी। डिप्टी सीएम ने यह ऐलान उस वक्त किया है जब बिहार में संविदा कर्मी को लेकर नीतीश सरकार ने एक आदेश जारी किया है और विपक्षी पार्टी सरकारी नौकरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। सरकार आगामी कुछ दिनों में राजस्व, कृषि, पुलिस विभाग में भर्ती निकालेगी। बिहार सरकार कृषि विभाग के पौधा संरक्षण विभाग में जल्द ही 1175 पदों पर नियुक्ति करने वाली है। सूबे के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विभाग की समीक्षा के दौरान खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इस विभाग में खाली पड़े पद जल्द ही बहाली के जरिए भरे जाएंगे। बिहार चुनाव में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करने वाली RJD पार्टी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने नीतीश सरकार के ऊपर हमला बोला है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नीतीश सरकार नौकरी देने के बदले नौकरी छीनने वाली है। उन्होंने कहा है कि सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर काम कर रहे लोग सरकारी सेवक नहीं है। 1 महीने का अग्रिम मानदेय देकर कभी भी उनको कार्य मुक्त कर दिया जा सकता है। शिवानंद तिवारी ने आगे कहा कि नौकरी देने की तो नहीं, बिहार सरकार ने नौकरी समाप्त कर देने की नीति की घोषणा जरूर कर दी है। स्मरण होगा कि विधानसभा चुनाव अभियान के दरमियान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बन गई तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में वे 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के आदेश पर दस्तखत कर देंगे। इसके जवाब में नीतीश कुमार और उनके गठबंधन की ओर से घोषणा की गई कि चुनाव के बाद उनकी सरकार बनते ही 19 लाख युवाओं को हम काम देंगे। पटना में कोरोना वैक्सीन का डोज बर्बाद हो रहा है। इसका कारण है कि स्वास्थ्यकर्मी रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लेने नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण अब तक NMCH में 27 डोज बर्बाद हो गया है। कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक रात दिन लगे हुए थे। लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन टीका तैयार होने के बाद लोग लेने के लिए बिहार में आगे नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। कोरोना वैक्सीन के एक वायल में 20 डोज होता है। रजिस्ट्रेशन करने वाले स्वास्थ्यकर्मी के नहीं पहुंचने पर अभी तक NMCH में 27 डोज बर्बाद हो चुका है। एक वैक्सीन खुलने पर 4 घंटे के बाद वो वैक्सीन खराब हो जाता है। डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि 16 जनवरी को वैक्सीन की शुरुआत की गई, जिसमें 100 में से 31 स्वास्थ्यकर्मी ही वैक्सीन डोज लेने पहुंचे। वैक्सीन की 2 फाइल खुलने के बाद बचा हुआ डोज बर्बाद हो गया। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2400 स्वास्थ्यकर्मी है, लेकिन अभी पोर्टल पर 300 स्वास्थ्यकर्मी का ही नाम आया है। कई स्वास्थ्यकर्मी टीका नहीं लेना चाह रहे हैं। बता दें कि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत की गई है। पहले फेज में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका दिया जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर कैमूर जिले से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 38 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार इन सभी लोगों के खिलाफ अपहरण, डकैती, हत्या, लूट, मारपीट सहित कई मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भभुआ, चैनपुर, चांद, भगवानपुर, बेलनाव और अंधोरा थाना क्षेत्र से की गई है। गौरतलब है कि जिले में तेजी से बढ़ते अपराध को देखते हुए कैमूर SP के निर्देश पर भभुआ DSP सुनीता कुमारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 38 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले भी कुल 53 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी।
पटना में बिहार सरकार के अधिकारी सब्जी बेच रहे हैं और सब्जी खरीदने के लिए खरीदारों की लंबी लाइन लग रही है। सब्जी उगाने वाले किसानों को इसका डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, एक तो उन्हें वाजिब दाम मिल रहा है और दूसरा यह है कि पैसे भी सब्जी बेचे जाने के अगले दिन ही मिल जा रहे हैं। आपको बता दें कि पटना स्थित सचिवालय में हर सोमवार और शुक्रवार को जैविक खाद से तैयार सब्जियां बेची जाती है। यहां कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मी दुकानदार की भूमिका में होते हैं। किसानों से सब्जियां लेकर कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मी खुद इसे बेचते हैं। खास बात यह है कि जैविक खाद से तैयार सब्जियां दूसरे सब्जी से 50-60% अधिक दर पर बेची जा रही है। इसके बाद भी राजधानी के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। हर सोमवार और शुक्रवार को सब्जियां खरीदने के लिए खरीदार की लाइन लग रही है। अभी तक 10 क्विंटल से अधिक सब्जी बेची जा चुकी है, जिसमें मटर, ब्रोकली, बैंगन, टमाटर, मूली, फूल व पत्ता गोभी और मशरूम प्रमुख रूप से है। बिहार सरकार ने 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अन्य अधिकारियों को सरकार ने एडिशन चार्ज दिया है। 2000 बैच के सीनियर आईएएस अफसर जितेंद्र श्रीवास्तव को गृह विभाग में सचिव के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 2000 बैच के सीनियर आईएएस अफसर जितेंद्र श्रीवास्तव को गृह विभाग में सचिव के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एडिशनल चार्ज से मुक्त कर दिया गया है। यह जिम्मेदारी अब 2002 बैच के आईएएस अफसर पंकज कुमार पाल को दे दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे। इस वक्त एक ताज़ा खबर पटना से सामने आ रही है। वकीलों ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्टरूम में ताला जड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने फिजिकल कोर्ट में सीमित सुनवाई और वकीलों में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हालांकि वकील नेताओं ने तालाबंदी का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह सीधा कोर्ट की अवमानना है। फिजिकल कोर्ट में सीमित सुनवाई, लंबित पड़े अग्रिम जमानत के मामले और हाईकोर्ट में चुनिंदा वकीलों के प्रवेश करने की प्रणाली को लेकर 25 जनवरी को हाईकोर्ट के वकीलों का समूह ने चीफ जस्टिस के कोर्ट की तालाबंदी करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री रणविजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामलों की लिस्टिंग व सुनवाई में भी वकीलों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। वकालत खाने के बंद पड़े रहने से और टॉयलेट, कैंटीन वगैरह सुलभ नहीं होने पर हाईकोर्ट में केस बहस करने वाले वकीलों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जजों को वकीलों की परेशानी का सुध नहीं है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, इसीलिए 25 जनवरी को भारी तादाद में वकील तालाबंदी करने आएंगे। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स में भर्ती थे, लेकिन उनकी तबीयत और खराब हो जाने के कारण मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली एम्स में उनका इलाज कराने का फैसला लिया है, जिसकी अनुमति जेल प्रशासन ने भी दे दी है। लालू यादव एयर एम्बुलेंस से दिल्ली इलाज के लिए रवाना हो चुके हैं। लालू के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मौजूद हैं। इनके साथ इलाज कराने वाले डॉक्टर भी साथ में जा रहे हैं। एम्स में लालू के भर्ती होने के बाद वह वापस लौट जाएंगे। आपको बता दें कि जेल प्रशासन ने दिल्ली एम्स में एक माह रहकर लालू को इलाज कराने की अनुमति दे दी है। लालू प्रसाद का इलाज कर रहे रिम्स के डॉक्टरों ने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से संपर्क किया है, इलाज के बारे में कई बातें की है। लालू प्रसाद को दिल्ली भेजने से पहले रिम्स में मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में 8 विभागों के डॉक्टर शामिल हुए थे। इनके फैसले के बाद ही दिल्ली एम्स भेजने का निर्णय लिया गया। मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट जेल प्रशासन को दे दिया है, जिसके बाद जेल प्रशासन दिल्ली भेजने का फैसला किया है। बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मुख्यमंत्री क्राइम मीटिंग में हर बार पुलिस को सबसे पहला टास्क शराब पकड़ने का देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य भर में हर दिन शराब की बड़ी खेप बरामद होती है। सबसे बुरा हाल राजधानी पटना का है, जहां वीआईपी जोन में भी शराब की खाली बोतलें पाई जा रही है। शराब की खाली पड़ी बोतलें इस बात की तस्दीक कर रही है कि शराबबंदी बिहार में एकदम मजाक बनकर रह गया है। सरकार के दावे चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है, आम हो या खास, जो भी शराब पीना चाहता है उसके लिए यह एक फोन कॉल पर ही उपलब्ध है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 149 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,59,766 हो गई है। बिहार में फिलहाल 2,755
कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 60 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 149 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,59,766 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर 4 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,472 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो ये है कि महज 24 घंटे के भीतर 458 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 255,538 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।